और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक दूसरे के साथ में यानी प्राची और रणवीर रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय जो रिपोर्ट आई थी वो पूरी तरीका से फेक थी, वो रिपोर्ट जो कि रिया की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। लेकिन दोस्तों रिया को इस चीज़ की जानकारी मिल चुकी है कि उसकी रिपोर्ट हॉस्पिटल में अभी भी है, तो वो उस रिपोर्ट को जो कि चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन इधर सहाना गई है रिया के गाड़ी में पीछे बैठ के, और सहाना पूरी तरीका से जांच पड़ताल करने गई है कि आखिरकार आलिया और रिया में क्या चल रहा है एक दूसरे में, क्योंकि जहां आलिया और रिया लगातार एक से बढ़कर एक सस्पेंस बढ़ा रही हैं, क्योंकि आलिया और रिया लगातार गेम पर गेम खेल रही हैं, वहीं प्राची का मानना ये है कि आलिया और रिया को हम एक्सपोज करेंगे तो दोनों को एक साथ ही एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि लगातार रिया अपनी रिपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि अगर ये रिपोर्ट घर आ गई तो सोच लेना घर पर कितना बड़ा ब्लंडर खड़ा हो जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि रिया हॉस्पिटल में जाकर उस रिपोर्ट को स्वयं ही रिसीव करने जाएगी ताकि वो रिपोर्ट घर तक आए नहीं और बात पूरी बढ़े नहीं। लेकिन दोस्तों वहीं पे ही सिड कहीं ना कहीं बताता हुआ नजर आ रहा है। सिड ने बताया है इधर आर्यन से और साथ में रणवीर से कि वाकई में प्राची तुमसे प्यार करती है, जिसके बाद में रणवीर ने डांटा भी बहुत था कि जब तुझे पता है कि प्राची मेरे से प्यार करती है तो तू बीच में क्या करने आया था। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आर्यन और इस समय रणवीर बहुत ज़्यादा सिड पर गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सिड कहता कुछ और है करता कुछ और है, इसका ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके मन में भी क्या चल रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिलहाल प्राची पूरी तरीका से रणवीर का साथ देती हुई नजर आने वाली है। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।